हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 0.36 इंच थ्री वायर डीसी वोल्ट मीटर के बारे में। ये सिंपली एक वोल्ट मीटर है, बहुत ही छोटा दिखने में, ये एक उंगली के साइज में आ जाती है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस चीज़ को कैसे यूज करना है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पर आईसी चिप में डायग्राम कैसी है और किस तरह से इसको हैक कर सकते हैं, एक एम्पीमीटर भी बना सकते हैं इससे। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद ही कुछ इंडियन चैनल में मिले, तो अगर पॉसिबल है तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा ज्ञान आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों फर्स्ट तो इसको पावर देना होगा, तो पावर देने के लिए ये दोनों तार है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये है वोल्टेज सेंस की वायर है। ये ओनली पॉजिटिव वोल्टेज को सेंस करता है, नेगेटिव वोल्टेज सेंस नहीं करता। मतलब कि ये जो ग्राउंड है इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई नेगेटिव वोल्टेज है उसको ये सेंस नहीं करेगा, ये ओनली पॉजिटिव वोल्टेज को दिखाता है। तो ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले है, तो ये अभी अजीब कुछ नंबर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। अगर इसको हम लोग VCC के साथ ही कनेक्टेड कर देते हैं रेड के साथ, तो ये टू वायर वोल्ट मीटर के जैसा बन जाती है और ये इस बैटरी के वोल्टेज को मापेगा। और दोस्तों अगर कोई दूसरा वोल्टेज को मापना हो तो उस वोल्टेज का पॉजिटिव लगेगा इस वाली येलो वायर में, और उस वोल्टेज का जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव के साथ कॉमन होना चाहिए, तभी ये इसको माप देगा। अब देखिए इसका वोल्टेज ये 1.62 दिखा रहा है, तो देख लेते हैं एक बार मीटर से कितना वोल्टेज है इसमें। तो देखिए इस बैटरी का वोल्टेज है 1.59, मतलब कि 6 के बहुत ही करीब है, तो ये सही दिख रहा है। तो अगर ये गलत दिखाता है तो इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो एक बार इसके साथ ही इसको लगा के आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ। तो देखिए अब 3.72 दिखा रहा है बैटरी का वोल्टेज, अब इसको अगर घुमाया जाए तो ये वोल्टेज चेंज होगा। तो देखिए ये कम हो रहा है, और उल्टा इस तरफ घुमाएंगे तो ये बढ़ेगा। देखिए तो इस तरीके से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मीटर से माप लेना इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, फिर आप लोग इसको एडजस्ट करके इस मीटर को आप सही रीडिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें 3.96 है, तो इसको जस्ट घुमा के करेक्ट कर लेंगे। ओके 3.95, ये बहुत करीब है, छोड़ देंगे इसको। दोस्तों ये 0 वोल्ट से 100 वोल्ट तक माप सकते हैं इस वाले वायर में, और जिसमें हम लोग पावर दे रहे हैं इसमें हम लोग 2 या 3 वोल्ट से 30 वोल्ट तक दे सकते हैं, तो 12 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट की सप्लाई सब में ये चल जाएगा। दोस्तों अगर आप टू वायर वाला वोल्ट मीटर खरीदते हैं तो वो मिनिमम वोल्टेज आपका 3 वोल्ट होगा, क्योंकि ये चलने के लिए तो कुछ वोल्टेज इस वायर में आना चाहिए, तो उसके कम में ये डिस्प्ले नहीं चलेगा। तो ये 3 वोल्ट से 100 वोल्ट तक मापेगा अगर टू वायर सिस्टम है। अगर 3 वायर सिस्टम है तो ये 0 वोल्ट से समथिंग वोल्ट तक माप सकती है। मेरे केस में ये 100 वोल्ट, जहाँ पर खरीदेंगे वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कितना रेंज में ये मापता है। दोस्तों जब कम वोल्टेज मापेंगे उस टाइम पर आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखता है, और जब ज़्यादा वोल्टेज मापेंगे जैसे 12 वोल्ट उस केस में आपको पॉइंट के बाद कम डिजिट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 12.1 दिखा रहा है, तो ये डिजिट की जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है जब 10 वोल्ट के ऊपर जाती है, 9.99 से ऊपर। दोस्तों ये जब चलता है तो कितना करंट खाता है देखिए, 3-4 mA करंट ये खाता है। दोस्तों अगर आपके पास टू वायर वाला सिस्टम है, आप इसको 3 वायर में हैक करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। 2 वायर वाला सिस्टम में इस जगह पर एक रजिस्टर या कुछ लगा रहेगा, यहाँ पर ये खाली छोड़ा हुआ है, तो उसको आपको हटा देना है, और ये जो पॉइंट बचेगा ये होगा आपका सेंस वायर, तो वो एक 3 वायर सिस्टम जैसा बन जाएगी। दोस्तों काफ़ी बात हो गया इसके बारे में, अब चलिए देखते हैं सर्किट में क्या क्या है। यहाँ पर जो मेन आईसी चिप है इसका कोई नाम नहीं है, सब मिटा दिया गया है, फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक वोल्टेज सेटिंग के लिए पॉट दिया हुआ है, ये रीडिंग को सेट करता है, एक्यूरेसी को। और यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर है और एक डायोड है, तो ये डायोड रहना एक अच्छी बात है। जब आप लोग पावर सप्लाई में गलती से उल्टा कनेक्ट कर देते हैं तो इस डायोड रहने के कारण ये मेन आईसी ख़राब नहीं होगा, सही कनेक्ट करेंगे तो ही चीज़ें चलेगी, उल्टा कनेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। अगर ये डायोड ना होता तो उल्टा कनेक्ट कर देने से ये आईसी जल जाता। तो ये डायोड जस्ट रिवर्स पोलैरिटी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर, ये इनपुट में आप जितना भी वोल्टेज देंगे, 12 वोल्ट या कितना भी वोल्टेज से आप चलाएंगे उसको, ये पहले 3.3 वोल्ट बनाएगा इस पिन में, उसके बाद ही इस आईसी को सप्लाई दिया जाएगा। तो इसको हमेशा 3.3 के करीब वोल्टेज में चलाने की कोशिश कीजिए, जैसे 5 वोल्ट, 1-4 वोल्ट की बैटरी इस तरह की। अगर 12 वोल्ट से चलाते हैं तो ये चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा हीट होगा, अगर 30 वोल्ट से चलाते हैं तो ये बहुत हीट होगा, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। दोस्तों मैंने इसका सारे पिन का कंटिन्यूटी टेस्ट किया, कहाँ पर कौन सी पिन लग रहा है, उसके बाद मैंने एक डायग्राम बनाया और वो है ये। तो यहाँ पर ये 14 पिन का अननोन चिप, ये इसका पिन 1 है, पिन 7, पिन 8 और पिन 14। तो यहाँ पर पिन 1 में VCC जाती है 3.3 वोल्ट, पिन 14 में ग्राउंड जाती है। यहाँ पर ये पिन 1 है इस डॉट के बगल में,
और पिन 14 ये है। और दोस्तों यहाँ पर जो कनेक्शन है, ये डिस्प्ले की कनेक्शन, एक साइड में आपको 5 कनेक्शन मिलता है डिस्प्ले की और एक साइड में 6 मिलता है इस तरफ। तो 5 और 6 मैंने यहाँ पर पॉइंट दे के ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है ये इसके साथ लग रहा है 7 में, ये 8 में लग रहा है, बाकी सब लगभग सीधा सीधा लग रही है। यहाँ पर ये थोड़ा सा बेंड हुआ है कनेक्शन, एनीवे तो ये सब डिस्प्ले की ड्राइविंग कनेक्शन है। तो ये है एक अलग पिन, ये सेंस वायर है। तो ये वाला पिन इस तरफ से 3 नंबर, मतलब कि 14, 13, 12, और तो 12 नंबर की पिन है, इसमें ये वोल्टेज को सेंस कर रहा है। तो यहाँ पर वो पिन है इस तरफ, ये 3 नंबर की, 1, 2 और 3 ये पिन। और दोस्तों VCC जो आती है रेड वायर, वो जाके पहले एक डायोड में जाती है, उसके बाद एक 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर में जाती है, उसके बाद जो 3.3 आउट होती है वो इस VCC पिन में लगती है, और ग्राउंड जो है वो तो चली जाती है, वो जाके इस ग्राउंड पिन में लगती है। और जो सेंस वायर है येलो, वो पहले जाती है एक 10K पॉट के अंदर से, ये है 10K की एक पॉट, उसके बाद 20K और 3.5 के दो रजिस्टर के अंदर से जाती है। तो ये है एक रजिस्टर 20K और ये 3.5K, उसके बाद ये है एक 1K रजिस्टर, उसके बाद ये ग्राउंड होती है। सो 1K रजिस्टर से ग्राउंड होती है और इस पॉइंट से ये सेंस पिन में जाती है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बन रही है, इस 10K रजिस्टर को चेंज कर करके हम लोग इस सेंस पिन में कितना वोल्टेज जाना चाहिए यहाँ पर कितना होने से, तो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 0 to 100 वोल्ट रेंज है, वो रेंज को ये जो IC है ये मेजर करता है 0 to 2.8 वोल्ट रेंज में, मतलब कि 2.8 वोल्ट अगर सेंस पिन में जाती है तो उसको ये 100 वोल्ट डिस्प्ले करता है। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसमें 5 और 6 करके टोटल 11 पिन है और इस IC में 14 पिन है, तो 11 पिन इसमें ले रहा है और बाकी 2 पिन VCC ग्राउंड और बाकी 1 सेंस पिन, मतलब इसमें कोई भी पिन अलग कोई पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं 11 पिन से कैसे ये डिस्प्ले चल रही है। ये जो डिस्प्ले है 7 सेगमेंट की डिस्प्ले है, इसमें ऐसा 7 LED है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो एक एक ग्रुप में 8-8 करके LED है, तो उसके लिए 8 पिन लगेगा एक एक ग्रुप के लिए, और एक है आपका ग्राउंड पिन या फिर VCC कोई भी पिन एक लगेगा, सो प्लस 1 पिन। यहाँ पर 8-8 करके 3 ग्रुप है, सो 24 LED रहना चाहिए था, मतलब 24 कनेक्शन रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है ओनली 11, तो कैसे काम कर रही है। तो 11 पिन में करने के लिए यहाँ पर एक एक जो प्लस 1 पिन है ये 3 ग्रुप के लिए 3 सेपरेट पिन दिया गया है, और जो बाकी 8 पिन है ये 3 ग्रुप के लिए कॉमन ले लिया गया है। तो उससे क्या होता है 8 + 3, तो यहाँ पर 11 पिन से ही बाकी सब ड्राइव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये क्या करती है, जिस डिजिट को ऑन करना है उस डिजिट का जो प्लस 1 पिन है इसमें वोल्टेज देता है, बाकी दोनों को ऑफ रखता है, फिर 8 पिन में वोल्टेज दे के उसका जो डिजिट है वो सेट कर देता है, फिर उसके बाद वो दूसरा डिजिट को ड्रॉ करता है, उसके बाद इसको करता है, तो इस तरह के स्विचिंग करता है बहुत हाई स्पीड में। अगर मान लीजिए 10.2 दिखाना है तो यहाँ पर एक एक डिजिट एक टाइम में जलेगी, एक टाइम में 3 डिजिट कभी नहीं जलेगी, तो यहाँ पर ये दोनों ऑफ रहेगी, एक जलेगा इसमें 1, उसके बाद बाकी दोनों ऑफ रहेगा, यहाँ पर 0 जलेगा, उसके बाद बाकी दोनों ऑफ करेगा, उसके बाद यहाँ पर 2 जलाएगा, तो 10.2 हमें दिखेगा जब ये बहुत हाई स्पीड में स्विचिंग करता रहेगा, इसको इसको इसको, तो ऐसे बहुत हाई स्पीड में स्विचिंग करता रहेगा तो हमें दिखेगा कि तीनों डिजिट एक साथ जल रही है, लेकिन ये IC बहुत हाई स्पीड में एक एक डिजिट को जला रहा है इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करके। तो यहाँ पर पिन की नंबर बहुत कम लेना पड़ता है, उतना पिन की ज़रूरत नहीं पड़ता है जब कंटिन्यूस जलाने में जो पिन लगता है। तो यहाँ पर 8 पिन को कॉमन ले लिया और 3 पिन डिफरेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो। तो भाई अब मुझे देखना है कि ये 100 वोल्ट के ऊपर यानी ओवर लिमिट में क्या दिखाता है। तो 100 वोल्ट DC तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका जो ADC पिन है, मतलब जिसमें वोल्टेज माप रहा है, सेंस पिन से 1 kΩ रजिस्टर लगा दिया। तो ये है 35 kΩ रजिस्टर के अंदर जा रही है, ये 1 kΩ के अंदर हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज इसमें देंगे तो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, कम वोल्टेज देते हुए हम लोग इसका ओवर लिमिट को पार कर पाएंगे। तो ये दो तार मेरा वेरिएबल सप्लाई से आ रही है, तो इसका ग्राउंड को कॉमन कर देंगे इसके साथ। अब जो पॉजिटिव है इसको 1K के इस तरफ देंगे, तो देखिए अभी 23 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग दे रहे हैं ओनली 1.3 वोल्ट, तो इसी में हम लोग इसका जो ओवर लिमिट है उसको पार कर पाएंगे। तो 60, 65, 70, 80, 90 और ये 100, तो देखिए 100 वोल्ट में ये ऐसा दाग दिखाता है, मतलब कि ये ओवर लिमिट है। तो भाई इसका सेंस पिन कितना वोल्टेज पाने से 100 वोल्ट दिखाता है ये भी चेक कर लिया जाए। यहाँ पर जो वोल्टेज दे रहे हैं हम 5.7 वोल्ट,
ये मैटर नहीं करता, ये रजिस्टर है यहाँ पर, जो एडीसी पिन है वो डायरेक्ट कितना वोल्ट पाने से 100 दिखा रहा है। देखिए अभी ये 98.7 दिखा रहा है, तो इसको डायरेक्ट कितना वोल्टेज मिल रहा है, 2.8 समथिंग वोल्ट। ओके, तो 2.8 वोल्ट में इसका फुल स्केल है। तो चलिए एक कैलकुलेशन हो जाए, 2.87 वोल्ट में 98 वोल्ट दिखाया था, सो इसको 98 से डिवाइड कर देंगे, एक वोल्ट कितना वोल्टेज में दिखाएगा, सो 29 मिली वोल्ट, मतलब लगभग 30 मिली वोल्ट में ये एक वोल्ट डिस्प्ले में दिखाएगा। तो अगर हम लोग इससे एम्पियर मापना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा शंटर बनाना होगा जिसमें जो करंट जाने से, मानिए कि यही वायर है, इस वायर के अंदर अगर हम लोग करंट भेजते हैं, एक एम्पियर करंट भेजने से इसमें अगर 30 मिली वोल्ट ड्रॉप हो जाए तो उसको हम लोग अगर डायरेक्टली उसका एडीसी पिन में दे दे तो वो इसमें डिस्प्ले में 1 दिखाएगा, 30 मिली वोल्ट में 1 दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग एम्पियर मेजरमेंट कर सकते हैं। और भाई मैंने कोइंसिडेंटली एक सही वायर चुना है, ये 1 एम्पियर में लगभग 30 मिली वोल्ट ड्रॉप कर रहा है और यही मुझे चाहिए था उस आईसी के लिए, वो आईसी 30 मिली वोल्ट में ही 1 दिखाता है। तो चलिए इसको डायरेक्ट लगा देते हैं इस आईसी के साथ और देखते हैं इसमें सही एम्पियर बताता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 1K के इस साइड में नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर 1K ग्राउंड किया हुआ है, तो ये डिवाइड हो जाएगी वोल्टेज, तो मुझे वोल्टेज यहीं पर देना होगा। और ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि अगर ये वायर का कॉन्टैक्ट हट गया तो इस एडीसी पिन में डायरेक्ट वोल्टेज चली जाएगी, कोई भी रजिस्टर नहीं रहेगी, तो ये आईसी ख़राब हो जाएगा। तो फिर भी चलिए रिस्क ले लेते हैं। तो इस वायर का एक पॉइंट ग्राउंड में रहना चाहिए, तो मैंने इसको ग्राउंड किया जस्ट, और यहाँ से हमें आउटपुट लेना होगा, जो करंट है वो यहाँ से आ रहा है मीटर के थ्रू जाके इस पॉइंट में जाएगा, उसके बाद ये ग्राउंड में मिलेगा। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ग्राउंड और ये एडीसी पिन के बीच होगी। अब देखिए ये लगभग 1 के आसपास दिखा रहा है, रिजोल्यूशन बहुत ही कम आ रहा है इसलिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है रीडिंग, क्योंकि इसका फुल स्केल है 100, तो 1/100 रिजोल्यूशन आ रही है। अब चलिए करंट को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, तो अब देखिए 2 एम्पियर है, यहाँ पर 1.48 दिखा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत इसमें हो रहा है 2.1, तो ये वायर हमें दूसरा चुनना पड़ेगा तो ही सब ठीक होगा। एनीवे 4 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये तार जल जाएगी तब। तो दोस्तों इसमें थ्योरी तो हमारा प्रूफ हो गया कि इसको एम्पियर मोड में चलाना पॉसिबल है, हालांकि मैंने इसके ऊपर जो रिजोल्यूशन है वो ठीक से सेट नहीं कर पाया, रीडिंग को स्टेबल नहीं कर पाया, इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ये जो 1K रजिस्टर है इसको खोलना होगा, यहाँ पर देखिए एक 1K रजिस्टर यहाँ पर नीचे है, इसको खोलना होगा, तो इसको मैं अभी नहीं खोलूँगा इसके साथ। तो इसको हटा के आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर्स है इन सब को हटा देना है, यहाँ पर आपको जो सेंस पिन है इसमें दूसरा साइड से वोल्टेज देना होगा। तो मानिए ये आपका सेंस पिन है, तो इसमें जो 1K था उसको हटा दिया, अब इसमें दूसरा साइड से हम लोग वोल्टेज देंगे, जो एम्पियर है उसको एक वायर के अंदर से फ्लो कराना होगा, जैसे मल्टीमीटर में भी रहता है एक वायर, यहाँ पर देखिए एक वायर है, इसके अंदर से एम्पियर जाती है और इस वायर में ही 10 मिली वोल्ट पर एम्पियर ड्रॉप होती है। तो हमें एक ऐसा वायर लेना है जो 30 मिली वोल्ट पर एम्पियर ड्रॉप करे, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव को जस्ट डायरेक्ट भेज देंगे ये बैटरी, और ये है इस तरफ, मानिए कि आपका लोड है, तो पॉजिटिव डायरेक्ट चला जाएगा, लोड की जो नेगेटिव है वो इस वायर के थ्रू बैटरी का माइनस में जाएगा, और ये माइनस इस मीटर का जो माइनस है उसके साथ कॉमन रहेगी। तो इस वायर में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस जगह पर 30 मिली वोल्ट पर एम्पियर होगा, और वो 30 मिली वोल्ट को हम लोग एक रजिस्टर के थ्रू इस पिन में फीड करेंगे, ताकि अगर ये वायर कभी टूट जाए तो ये रेजिस्टेंस रहे इस आईसी में, डायरेक्ट ये वोल्टेज ना पहुँच जाए, तो ये आईसी को ख़राब कर सकता है, आईसी का जो सेंस पिन है, इसलिए एक रेजिस्टेंस दे देंगे, मे बी ये 10K हो सकती है। तो इसलिए नीचे की रेजिस्टेंस को मैंने खोला, क्योंकि अगर ये रहता तो इसमें ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है ये नीचे वाला रेजिस्टेंस, इसलिए इसको खोलना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल है कि ये एग्जैक्ट वायर आपको कहाँ से मिलेगा 30 मिली वोल्ट पर एम्पियर की, तो अगर ये ना मिले तो इससे ज़्यादा की कोई वायर ले लेना, लगभग 50 मिली वोल्ट पर एम्पियर, तो वो आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, जस्ट एक लगभग की वायर ले लेना। तो उस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको डायरेक्ट यहाँ पर फीड करने के बजाय, ये जो वायर है इसमें आपका लोड से नेगेटिव है और ये बैटरी के नेगेटिव, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस वोल्टेज को आप लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से यहाँ पर आउटपुट कर लेना, तो ये वाला पॉइंट आपका माइनस में लगेगा ब्लैक वायर में, और ये वाला पॉइंट आपका ये सेंस पिन में डायरेक्ट लगेगा।
तो क्या होगा, इस वेरिएबल रजिस्टर को घुमाने से आप लोग चेंज कर सकते हैं हम लोग इस 50 मिली वोल्ट से कितना लेंगे। उसके बाद एक मल्टीमीटर के अंदर से करंट फ्लो करके दोनों रीडिंग को इसको घुमा घुमा के मैच कर देने से आपका जो ये मीटर है वो एम्पीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मे भी इसको मैं किसी दूसरा वीडियो में करके दिखाऊंगा। आज के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कौन से बताएं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये चैनल पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल में ज्वाइन होकर या फिर इस UPI ID में कुछ डोनेट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाने में मदद कर सकते हैं। और इन रिटर्न आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, इससे आप मुझसे प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।